हेलो, वेलकम बैक टू मूवी बिज। वेल, मूवी बिज में हम आपको आज इस हफ्ते की कुछ बातें बताएंगे। नरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ है और सबसे बड़ी जो न्यूज है आज, करंट न्यूज इज रॉकी और रानी जो आने वाली है, उसका क्या लग रहा है? करण जौहर के सुना है दफ्तर में बड़ा जोश और शोर मचा हुआ है, हर जगह पे प्रमोशन भी बहुत जोरों से हो रहा है। एवरी स्टोरी, एवरी रील, ही इज ट्राइंग टू पुट इन हिज बेस्ट एंड ब्रिंग रॉकी और रानी ऑन द फोरग्राउंड। इज हाउ डू यू थिंक रॉकी रानी कैसे चमक रही है आपके हिसाब से? सर, प्रमोशन तो पूरी टीम लग गई है। आलिया और रणवीर सिंह कल बड़ौदा में प्रमोशन कर रहे थे पिक्चर का। यस, और पिक्चर को रिलीज को मुश्किल से 12-13 दिन बचे हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली करण जौहर चाहेंगे कि इसको नेक्स्ट लेवल तक प्रमोशन करके क्योंकि जितना गर्म कर सकते हैं और गर्म करें। गाना भी सुपरहिट हो गया है, वो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका, लोग जोर में आ चुके हैं। आई मीन द सॉन्ग हैज पिक्ड अप, सॉन्ग इज डूइंग वेल। बट इसके अलावा करण जौहर के यहां सुन रहे हैं हम जो न्यूज सुनी है, हमने पता नहीं कितनी सच है, कि वहां रामायण फिल्म की बातें चल रही है। रोज एक पंडित कोई आ रहे हैं, बड़े से बड़े विद्वान हिस्टोरियंस लर्नेड पंडित आ रहे हैं और करण जौहर खुद इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि रणवीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ रामायण बनाने की कोशिश क्या करण जौहर के प्रोडक्शन में बन रही है, जो हमने सुना था कि नीतीश तिवारी बना रहे हैं। न्यूज तो नीतीश तिवारी की थी, एक साल डेढ़ साल पुरानी न्यूज है। हाँ, कि नीतीश तिवारी रामायण शुरू करने वाले थे, रणवीर कपूर राम, आलिया भट्ट सीता और ऋतिक और रोशन को ऑफर किया गया था रावण का रोल, लेकिन ऋतिक ने ना बोल दिया। बाद में अप्रोच किया गया यश को, जो केजीएफ करें, उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया। अब ये सेम प्रोजेक्ट करण जौहर, आई थिंक करण जौहर, बिकॉज करण जौहर के ऑफिस में जो हमने सुना है, मेरी रॉन्ग, क्योंकि रोज इसके ऊपर मेहनत हो रही है, रिलायंस के फ्लोर्स बुक हो रहे हैं बड़े स्केल में और करण जौहर इतनी अलर्ट होके, इतना अलर्ट होके काम कर रहा है आफ्टर आदि पुरुष की उसने कोई भी चीज बेवकूफी की नहीं चाहिए। ही वॉन्ट्स एवरीथिंग सेंसिबल। हिस्टोरिकली रामायण बोलता है परफेक्ट होनी चाहिए, माइथोलॉजिकली परफेक्ट होनी चाहिए, स्पिरिचुअली परफेक्ट होनी चाहिए। तो आई थिंक इट विल बी अ गुड रामायण दिस टाइम फ्रॉम धर्मा प्रोडक्शंस, और इज इट फ्रॉम नीतीश तिवारी? रामायण इतना विशाल ग्रंथ है ना राजीव सर, उसको 3-3.5 घंटे में आप नहीं पिरो सकते, कंटेन नहीं कर सकते। यस, इट इज अ वेब सीरीज के लिए ठीक है। अगर आप बनाते हैं तो आपको ये 10-12 एपिसोड से ज्यादा, मतलब उसको इंसिडेंट शामिल नहीं कर पाएंगे, पूरी इतनी विशाल। जैसे राजा मौली साहब कर रहे हैं महाभारत इन वेब सीरीज, 10 पार्ट में बनाएंगे, सोचिए ना। एग्जैक्टली, तो रामायण को 3-3.5 घंटे में समेटना नामुमकिन है। खैर, अगर बन रही तो अच्छा है, लेकिन उम्मीद है कि जैसी कॉन्ट्रोवर्सी आदि पुरुष के साथ हुई, इसमें उनको ना झेलनी पड़े। और इसके बारे में क्या लगता है आपको? जवान आ रही है, जवान में भी बोलते हैं बहुत एडिशन हो रहे हैं, कुछ हाईलाइट्स डाले जा रहे हैं, शूटिंग हुई बीच में यशराज में, क्या पता नहीं, मैंने सुना है, मे बी इट्स अ र्यूमर, क्या आर्यन खान का कुछ स्पेशल अपीयरेंस होने वाला है, ऐसी कुछ संभावना लगती है? क्योंकि कुछ सरप्राइजेस होने वाले हैं बोलते हैं। जवान इज ऑलरेडी इन न्यूज, इट्स बिकम अ वेरी स्पेक्टेकुलर मूवी ऑलरेडी इन द मार्केट फॉर द ऑडियंसेस। अब क्या लग रहा है जवान में और क्या सरप्राइज? फर्स्ट चीज ऐसे तो फ्रेंकली लोगों ने एक्शन को पसंद किया, लेकिन ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है कि जिस हिसाब से लोग बोल रहे हैं कि पठान गौरव का टूट जाएगा 750 करोड़ का, 1000 करोड़ का। खैर, पठान के कलेक्शन की बात करते हैं तो काजोल ने यशराज की और शाहरुख खान की बैंड बजा दी। वो ट्रायल का प्रमोशन कर रही थी, किसी जर्नलिस्ट ने पूछा, अगर शाहरुख आपको सामने मिले तो आप तुमसे क्या पूछेंगी? काजोल ने पता है क्या जवाब दिया? मैं पूछूंगी शाहरुख खान से कि पठान का रियल कलेक्शन क्या है। मतलब इनडायरेक्टली हर किसी के मन में ये सवाल है कि पठान का रियल कलेक्शन कितना हुआ था। नहीं, ये तो बात सही है, बट जवान लुक्स प्रॉमिसिंग, लुक्स वेरी बिग, पता नहीं क्या क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं उसमें। बाकी पठान को गर्म करने में म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, और शॉकिंगली जवान में वो बात नजर नहीं आ रही, इसीलिए गाना शूट किया है जिसमें कियारा आडवाणी है, कियारा आडवाणी को भी ऐड किया। एग्जैक्टली, तो शायद वो गाना अगले दिनों में, कुछ दिनों में शायद लॉन्च कर दिया जाए। लेकिन रियल चार्टबस्टर सॉन्ग जो चाहिए, जो ऑडियंस वेट करती है कि म्यूजिक से हम खींच के चले हैं, वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है जवान के अंदर। बाकी आने वाली फिल्मों में आपको क्या लग रहा है? अभी ये जो अजमेर फाइल्स, अजमेर 92 जो रिलीज हो रही है, हाउ डू यू थिंक विल दिस फिल्म? अगेन, ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, एक सच्ची कहानी है, और आज 30 साल बीत जाने के बावजूद उनको अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। तो फिल्म
है अच्छे मुद्दे पर, बनाई कैसी है वो देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना प्रमोशन गर्म नहीं है कि लोग वेट करें। अभी नाउ मे आई आस्क अबाउट ओ माई गॉड टू, उसकी सेंसर की पोजिशन क्या है? ऐसे सुना है आज भी रिवाइजिंग कमिटी देख रही है, कुछ कोर्ट से भी लोग शायद देख रहे हैं, सेंसर ऑफिस में आज ट्रायल चल रहा है, ऐसा हमने सुना है कि रिवाइजिंग कमिटी इज गोइंग टू वॉच एंड गिव अस द क्लियर पिक्चर कि क्या होने वाला है। और ऐसी क्या बात है इस फिल्म में जो एग्जामिनिंग कमिटी ने इसको रिफ्यूज कर दिया? सर 7 दिन पहले ही रिवाइजिंग ने रिफ्यूज कर दिया था। रिवाइजिंग ने नहीं किया था, एग्जामिनिंग कमिटी ने, एग्जामिनिंग कमिटी ने देखने के बाद इसे रिफ्यूज कर दिया था। इसकी वजह थी कि उनको कई चीजें कॉन्ट्रोवर्शियल लगी। एक तो फिल्म धर्म है और साथ में सेक्स का एक अच्छा खासा डोज दिया हुआ है, को बोलते हैं होमोसेक्सुअलिटी है। क्या बात कर रहे हो? हाँ बोल रहे हैं रूमर्स। ओके वी डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या पता नहीं, बट कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल है। अच्छा ये कि अगर एग्जामिनिंग कमिटी आपकी फिल्म को रिफ्यूज करती है तो प्रोड्यूसर को बोलती है हम रिफ्यूज कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर जाता है रिवाइजिंग कमिटी के पास या ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट। पता नहीं एग्जामिनिंग कमिटी ने कैसे फिल्म दे दी रिवाइजिंग कमिटी को कि आप देखे पास करो। बड़ी पिक्चर है, बड़ी इन्फ्लुएंस, आप रूल्स एंड रेगुलेशन तो आप नहीं तोड़ सकते ना सर। और दूसरी से बड़ी बात है कि इसको एमपी गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट ने जहां फिल्म शूट किया उज्जैन में, वो गवर्नमेंट के अंडर में मंदिर, महाराष्ट्र जब तक कि एमपी गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे कोई प्रोड्यूसर वहां पर शूट नहीं कर सकता। और पिक्चर बाकायदा महाकाल मंदिर में शूट हुई है, वहां के प्रीमाइसिस में अच्छा खासा सेट बनाया गया था जहां पर शूटिंग की गई, जबकि स्थानीय लोगों ने काफी विरोध किया था कि आप शूटिंग की परमिशन कैसे दे रहे हो। तो काफी सारे इन्वॉल्वमेंट है मंदिर धर्म और ये सेक्स, सेक्स का मैंने सुना नहीं था बट हो भी सकता है। बट अक्षय कुमार इज क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस फिल्म एंड अक्षय कुमार नीड्स अ हिट। लेकिन ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई और सेंसर ने ऑब्जेक्शन लिए कई समझो डायलॉग्स पे सीन्स पे, तो मुझे लगता है कि शायद ओटीटी पे पिक्चर आ जाएगी क्योंकि ओटीटी पे सेंसरशिप लागू नहीं होती है। तो गदर 2 का बहुत फायदा हो जाएगा, गदर 2 अकेले अकेली रह जाएगी जी। तो गदर 2 विल डेफिनेटली हिट मोर देन 10 crores देन ऑन द फर्स्ट डे, बिकॉज कोई और पिक्चर होगी ही नहीं। गदर 2 की भी गर्मी तो है, इट हैज इट्स ओन हीट, इट्स ओन चार्म विच इज गोइंग टू प्रोबेबली हेल्प गदर 2 टू गेट अ गुड इनिशियल ओपनिंग। बाकी हम नहीं कुछ बोल सकते। शॉकिंगली जुलाई पूरा ड्राई गया, पता नहीं मेकर्स लोग क्यों नहीं फिल्म रिलीज की जुलाई महीने में। 28 तारीख को आ रही है बवाल, ओटीटी का आ रही है 21 तारीख को। बड़ी फिल्म थी अगेन, नीतीश तिवारी डायरेक्टर, वरुण धवन, जानवी, प्रोड्यूसर साजिद नडियादवाला, लेकिन उनको कोई बायर नहीं मिल रहा था थिएटर के हिसाब से, लिहाजा मजबूरन ओटीटी में बेचना पड़ा। और अच्छा किया उन्होंने किक 2 शुरू नहीं की, उनको पता है कि थिएटर का बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर सलमान को लेकर पिक्चर बनाए बड़े बजट की तो सलमान का फिलहाल तो कह रही है ग्राफ नीचे जा रहा है। अगर टाइगर 3 नहीं चली तो उनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा कि वो कौन सी फिल्म भविष्य में करें या नहीं करें। बट सब बातों को देखते हुए अभी सबसे पहले रॉकी और रानी का हिट होना बहुत जरूरी है। रॉकी और रानी की ओपनिंग शुड बी एटलीस्ट 15 crores टू शो सम लाइट टू द बॉक्स ऑफिस। तो वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू रॉकी और रानी ऑफ करण जौहर एंड विशिंग ऑल द बेस्ट टू ऑल द मेकर्स। लेट्स विश सब पिक्चरें चलनी चाहिए। एग्जैक्टली बस दैट्स इट, वी विल सी यू सून। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।